Hello everyone, this is Mansi from evithyati.in. Now we are starting with the new chapter, chapter number 14, vectorization. So this is question number 1 of exercise 14.1. So in this question we have, find the common factors of the given term. So yahan pe aapko ek saath do ya teen terms given hongi aur uske aapko कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं. नाउ कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले जैसे जो एक टर्म है हम उसके फैक्टर्स लिखेंगे, फिर जो दूसरी टर्म है उसके फैक्टर्स लिखेंगे एंड देन हम देखेंगे दोनों में कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हमारे पास है 12x. सो हमें 12x के फैक्टर्स लिखने हैं. 12 के फैक्टर्स लिखने के लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. स्टार्टिंग विद 2 वी गेट 6, 2, 3, 3, 1. सो ये सारे इसके फैक्टर्स आ गए. 2 × 2 × 3 ये किसके फैक्टर्स है? 12 के. और 12 के साथ ही x मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स x भी 12x का एक फैक्टर है. सो ये हो गए सारे 12x के फैक्टर्स. नेक्स्ट आते हैं 36 पे. तो 36 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं. अगेन 2 से स्टार्ट करते हैं. 1 8 2 9 3 3 1. ठीक है, तो ये सारे 36 के फैक्टर्स है, विच आर 2 × 2 × 3 × 3. राइट, आप देखना है कि इन दोनों में कॉमन कौन से हैं. जैसे कि 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मीन्स 2 कॉमन है. सो कॉमन फैक्टर हो गया 2. साथ में यहाँ पे एक बार और 2 है, इसमें भी एक बार और 2 है, सो एक और 2 कॉमन है. देन यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सो एक 3 कॉमन है. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12. सो वी कैन सी 12 इज ऑल्सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36. ओके, नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 2y and 22xy. इसमें भी सेम करेंगे, पहले 2y के फैक्टर्स लिखते हैं फिर 22xy के. सो 2y के फैक्टर्स बहुत इजी है, 2 और y, बिकॉज 2 को आप प्राइम फैक्टराइज भी नहीं कर सकते. नेक्स्ट 22xy. सो 22 के फैक्टर्स देखते हैं. सो 2 से स्टार्ट करेंगे, वी गेट 11, फिर 11 से करेंगे, सो मींस 22 के फैक्टर्स है 2 और 11 एंड साथ में क्या है एक्स वाई. तो एक फैक्टर एक्स भी है और वाई भी है. सो नाउ लेट्स सी कि इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है. सो 2 दोनों में कॉमन है, राइट. उसके बाद वाई भी दोनों में है, सो मींस 2 एंड वाई दोनों कॉमन है. सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 2y. ठीक है, दिस मींस 2y इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन बोथ ऑफ दीज. ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर 1 एंड 2. नाउ इट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब है हमारे पास 14pq and 28p2q2. सो लेट्स राइट डाउन द फैक्टर्स. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 14pq से. सो 14 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं. 2 से स्टार्ट करेंगे, दिस विल बी 7 then 7 and 1. सो मींस 2 और 7 आ गए. साथ में हमारे पास है p एंड q. सो ये सारे 14pq के फैक्टर्स हैं. नाउ 28p2q2. सो 28 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, स्टार्टिंग विद 2. सो दिस विल बी 1 4 2 7 7 and 1. सो वी हैव 2 × 2 × 7 एंड साथ में यहाँ पे है p स्क्वायर. p स्क्वायर मतलब दो बार p एंड देन q स्क्वायर मीन्स दो बार q. ओके, सो ये सारे फैक्टर्स हो गए 28p2q2 के. नाउ हमें लिखने हैं कॉमन फैक्टर्स. सो लेट्स सी इसमें कॉमन क्या है. 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो 2 कॉमन हो गया. देन 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो 7 भी कॉमन हो गया. इसके बाद एक बार p यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो p कॉमन हो गया. सिमिलरली q दोनों में है, सो q कॉमन हो गया. सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस. 2 × 7 = 14 एंड p × q = pq. सो मीन्स 14pq इज कॉमन इन बोथ द केसेस. ओके, सो नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट. अब हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है, 2x, 3x² एंड
4. सबसे पहले लिखते हैं 2x की टर्म्स. सो 2x की टर्म क्या होगी? 2 और x. देन 3x स्क्वायर. सो 3x स्क्वायर में 3 है, x स्क्वायर का मतलब x इंटू x. देन 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, मीन्स 2 और 2 उसके फैक्टर्स हो गए. अब आते हैं इसके कॉमन फैक्टर पे. सो अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, मीन्स 2x और 4 में 2 कॉमन है. इसमें x है, इसमें x है, मीन्स 2x और 3x स्क्वायर में x कॉमन है. लेकिन कोई भी ऐसा नंबर या वेरिएबल नहीं है जो तीनों में कॉमन हो. इन दिस केस व्हाट वी डू इज, अगर किसी का आपको टर्म्स का कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, सो उसका जो कॉमन फैक्टर होता है दैट इज 1. बिकॉज सी, अगर मैं यहाँ पे इंटू 1 कर दूं तो कुछ डिफरेंस होगा? नहीं, बिकॉज 2 इंटू x इज 2x, 2x इंटू 1 इज 2x. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी इंटू 1 कर दूं तब भी कोई डिफरेंस नहीं होगा. 3 इंटू x 3x, 3x इंटू x 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर. एंड द सेम गोज फॉर दिस वन. मीन्स अगर मैं इसमें 1 1 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा. सो 1 एक कॉमन फैक्टर है जो तीनों में हो सकता है. सो द कॉमन फैक्टर हियर इज 1. ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर 3 एंड 4. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में है 6abc 24ab स्क्वायर एंड 12a स्क्वायर b. सो 6abc, इसमें क्या क्या इसके फैक्टर्स होंगे? 6 को हम करते हैं प्राइम फैक्टराइज, स्टार्टिंग विद 2 3 3 1. इसको हम प्राइम फैक्टर करके देख रहे हैं. आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 6 हमें पता है 2 3 सा 6 होता है, तो हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं. पर जब कोई बड़े नंबर होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो प्राइम फैक्टराइज करना ज्यादा बेटर है. नाउ वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 3 इंटू ए बी सी है. सो ए इंटू बी इंटू सी. नेक्स्ट हमारे पास है 24ab स्क्वायर. सो नाउ 24, अब आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, 2 2 जा देन 2 2 2 एंड 2 3 ऐसे करके कर सकते हो, या फिर हम इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं. स्टार्टिंग विद 2 वी हैव 12 6 2 3 3 एंड 1. सो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट. साथ में है ए बी स्क्वायर. सो मतलब मल्टीप्लाई बाय ए, और बी स्क्वायर मतलब दो बार बी है, राइट. देन नेक्स्ट है 12 ए स्क्वायर बी. अब 12 के फैक्टर्स, अगर हम यहाँ पे 24 छोड़ दें तो इसके नीचे के जितने भी फैक्टर्स है ये सारे 12 के फैक्टर्स है. सो दे आर 2 2 एंड 3. सो 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड साथ में ए स्क्वायर बी. सो ए स्क्वायर बी का मतलब ए दो बार है. सो ए इंटू ए एंड बी एक बार है. सो इंटू बी. अब चलते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स पे. सो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. सो 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया. देन उसके बाद है 3. सो 3 इसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है. सो 3 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर. देन वी हैव ए. सो ए इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है. सो ए भी कॉमन हो गया. देन बी इसमें भी है, इसमें भी है. सो बी भी कॉमन हो गया. सी दोनों में से, बाकी दोनों में किसी में भी नहीं है. सो सी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता. नाउ 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू ए बी इज 6ab. सो मीन्स यहाँ पे कॉमन फैक्टर इन तीनों में है 6ab. बिकॉज अगर हम नंबर्स देखें तो 6 4s are 24, 6 2s are 12. मीन्स ये सारे 6s में कॉमन है. तीनों में ए बी है और बी भी है, ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x. सो स्टार्ट करते हैं 16x क्यूब. 16x क्यूब अगेन 16 से करेंगे, स्टार्टिंग विद 2 8 2 4 2 2 2 एंड 1. सो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है. नाउ साथ में एक्स क्यूब है. सो मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तीन बार एक्स हो गया. देन माइनस 4x स्क्वायर.
सो अब देखो यहाँ पे जब हम फैक्टर्स लिखेंगे या प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 4 को करेंगे, जैसे कि हमें पता है 4 होता है 2 into 2। अब ये जो माइनस है तो माइनस के लिए हम लिख सकते हैं -1। अब अगर हम इसको देखें तो 2 2 4, 4 into -1 is -4। सो हम यहाँ पे इसको इस तरह लिखेंगे, देन x square means 2 बार x, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है 32x, सो अगेन इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 32 वी हैव 2 1 6 2 8 2 4 2 2 2 and 1। सो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए 2 into 2 into 2 into 2 into 2, और साथ में x है तो into x। अब देखते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है। सो कॉमन फैक्टर्स आर 2, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सो एक हो गया 2। अब एक और बार 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो अगेन into 2। अब यहाँ पे जो एक और बार 2 है वो इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, सो दैट कैन नॉट बी अ कॉमन फैक्टर। आते हैं x पे, सो x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सो एक x हो गया। देन x अगेन इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें x सिर्फ एक बार है, सो वो भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज x इस वाले x को आप ले चुके हो, तो ये नहीं कि उसमें x है तो हम दोबारा से x ले सकते हैं, बिकॉज इस वाली टर्म में सिर्फ एक x है। सो 2 into 2 is 4, 4 into x is 4x, दिस मीन्स कि इस इन तीनों टर्म में 4x कॉमन है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। Now coming to the next part. अब हमारे पास है 10PQ, 20QR and 30RP. So starting with 10PQ. अब 10 के factors क्या हो सकते हैं? We know that 2 into 5 is 10. 2 को आप आगे नहीं कर सकते, ना ही 5 को कर सकते. तो 2 और 5 ही उसकी factors होंगी. जैसे यहाँ पे अगर let's suppose आता है 4 into 6. ठीक है, 6 4s are 24 होता है, तो अगर हम 24 के फैक्टर्स लिखे 4 और 6, सो हम 4 को आगे कर सकते हैं 2 इंटू 2 में, और 6 को आगे कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, सो मीन्स 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे ये सारे। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 है, ना तो आप 2 को आगे कर सकते हो ना ही 5 को, सो 2 और 5 फैक्टर्स हो गए 10 के, साथ में P है एंड Q है, सो P और Q भी फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है 20QR. अब 20QR को अगर हम करें, सो वी कैन राइट इट एज 2 into 10, और फिर 10 के फैक्टर्स क्या है? 5 और 2, सो मतलब 2, 5 और 2 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ये एक शॉर्ट मेथड है, इसके अलावा आप उस जैसे प्राइम फैक्टराइज करते हो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम 20 को करें, सो 2, 10, 2, 5, 5 and 1, तो वही फैक्टर्स आएंगे 2 into 2 into 5। साथ में जो वेरिएबल्स है वो है Q और R, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 30RP, सो 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 से करेंगे, वी हैव 2, देन 5, 5 and 1, सो इसके फैक्टर्स हो गए 3, 2 and 5, साथ में वेरिएबल है R और P, सो एक फैक्टर हो गया R और एक फैक्टर हो गया P। अब इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। सो अगर हम 2 देखें तो 2 यहाँ पे तीनों में है, सो एक कॉमन हो गया 2, देन इसके बाद 5 है वो भी तीनों में है, सो एक फैक्टर हो गया 5। उसके बाद P देखेंगे तो यहाँ पे है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो मीन्स P कॉमन नहीं है। सिमिलरली Q यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, सो मीन्स Q भी कॉमन नहीं है। सो जो दो फैक्टर्स कॉमन है वो है 2 और 5, सो 2 into 5 is 10, सो मीन्स 10 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टर्म्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। 3x² y³ देन 10x³ y² देन 6x² y² z, सो इसके फैक्टर्स लिखती है। सबसे पहले है 3x² y³, सो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? सिर्फ 3, राइट, बिकॉज
3 को आप 3 into 1 ही लिख सकते हो. ओके, x square means x into x, दो बार x हो गया. y cube मतलब 3 बार y, so 1, 2 और 3, 3 times y. then next है 10x cube y square, so 10 के factors क्या होंगे, 10 के factors 2 और 5 होंगे. उसके बाद है x cube मतलब x, 3 बार लिखेंगे हम. Then we have y square मतलब 2 बार y, right? उसके बाद हमारे पास है 6x square y square z. अब 6 के factors क्या हो सकते हैं, 2 into 3, साथ में x square, so x into x, 2 बार x हो गया. उसके बाद है y square मतलब y into y, 2 बार y हो गया and 1 बार z. अब आते हैं इसके कॉमन फैक्टर पे. सो कॉमन फैक्टर जो तीनों में है, दैट इज 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, सो मीन्स इट इज नॉट अ कॉमन फैक्टर. x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सो एक x कॉमन हो गया. देन एक और बार x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मीन्स 2 बार x कॉमन हो गया. उसके बाद y यहाँ पे भी है, सो 1 बार y हो गया. देन वंस अगेन y इसमें भी एक बार और है, मतलब एक और बार y आ जाएगा. अब यहाँ पे y सिर्फ इसमें ही 3 बार है, बाकी सब में 2-2 बार है, सो वो सिर्फ 2 बार कॉमन होगा. ठीक है, अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, सो x into x is x square and y into y is y square, so means x square y square is common, जो कि इन तीनों में कॉमन है. ठीक है, so this was the last part of this question. Now let's come to the next question.